नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर के डी टेक वर्ल्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास आईफोन 6s है जो मैंने रिसेंटली परचेस कर लिया है। सो आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू आईफोन 6s का। जानेंगे क्या है इसके फीचर स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन चीज़ कि ये आपको 2019 में परचेस करना चाहिए या नहीं। आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए, आपको इसकी कंप्लीट डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, मैंने ये इसे परचेस किया है सेकेंड हैंड, मैंने ऑलरेडी इसे यूज़ कर लिया, इसे पूरा सेटअप कर दिया है। तो मैं जस्ट इसे फिर भी अनबॉक्स करूँगा, अनबॉक्स करने का अलग ही एक मज़ा है। तो देखते हैं इसमें मुझे क्या मिला है। जो कि मुझे ओरिजिनली मिला है, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। तो ये बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको फ़ोन देखने मिल जाएगा। फ़ोन को आप हाथ में लेते हैं, फील कर सकते हो कितना प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन है। हाथ में आते इसकी प्रीमियमनेस पता चल जाती है। पहले इसके बॉक्स कंटेंट की बात कर लूँ तो मुझे इसके साथ मिला है ये जो नॉर्मली यूज़र मैनुअल वगैरह मिलता है, सिम इजेक्टर टूल और ये आईफोन का यूज़र गाइड्स। इसमें मुझे इन्होंने प्रोवाइड करवाया लाइटनिंग केबल, USB टू लाइटनिंग केबल। सो ये चार्जिंग के लिए और एक चार्जर मुझे प्रोवाइड किया। ये भी ये मॉडल का तो नहीं है फिलहाल, बट ये न्यू चार्जर उन्होंने प्रोवाइड करवाया। इसके साथ जैसे कि आप देख सकते हो मुझे हेडफोन नहीं मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा एंड तक, आप देखते रहिए कि मैंने कहाँ से परचेस किया है, मुझे क्या इसकी प्राइसिंग पड़ी है, सारी डिटेल आपको वीडियो में देखने मिल जाएगी। तो ये थे इसके बॉक्स कंटेंट्स। मैं जैसे इसे साइड कर देता हूँ, आपको अभी मैं फ़ोन का ओवरव्यू बता देता हूँ एक बार। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक देखने मिल जाता है, लाइटनिंग केबल का पोर्ट देखने मिल जाता है। ये इसका स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पे माइक्रोफोन मिल जाएगा आपको। और इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने मिल जाता है। ये आपको डायरेक्टली साइलेंट करने के लिए बटन देखने मिलता है जो कि आईफोन में आता ही है हर किसी फ़ोन में। ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ नहीं देखने मिलेगा, पावर बटन देखने मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पे इसका सिम इजेक्टर ट्रे देख सकते हैं आप। जैसे कि आईफोन 6s है तो इसमें आपको डिस्प्ले छोटा मिलता है, जैसे कि 4.7 inches का डिस्प्ले इसका। सो ये कॉम्पैक्ट है, हाथ में आपके परफेक्ट फिट हो जाता है, इसीलिए आईफोन पहले ऐसे बनाता था। नॉर्मली इसका 6s प्लस वेरिएंट जो है उसमें आपको देखने मिल जाएगा 5.5 inches का डिस्प्ले। मेरे पास जो ये वर्जन है ये 6s है, 2GB और 64GB वाला वेरिएंट है। 2GB रैम है इसमें और 64GB इंटरनल मेमोरी है रोम। इसका ये बटन भी प्रेस होता है, जैसे आपको पता होगा पहले के आईफोन में प्रेस होते थे, अभी सेंसर आने लगे। इसके मैं बॉडी की बात करूँ तो ये पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है। इसमें आपको बैक साइड में 12 MP का कैमरा देखने मिल जाता है, LED फ्लैश के साथ है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आता है ब्रांडिंग, ये तो कुछ इस तरह से इसका यूज़र इंटरफेस है। इसमें टच आईडी भी मिल जाएगा आपको, मैंने ऑलरेडी इतने सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे। सो अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करना चाहते हो या फिर आप आईफोन ख़रीदने का प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट एंड्रॉयड जितना ही आपको पड़ेगा। जो प्राइस रेंज में मैंने इसे लिया है उस सेम प्राइस रेंज में आपको अच्छे अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन भी देखने मिल जाते हैं अच्छे प्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस के साथ, बट फिर भी आप उनसे इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक अलग ही स्टैंडर्ड है। क्योंकि इसमें 2GB रैम होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, रैम मैनेजमेंट भी इसका बहुत अच्छा है। जैसे कि इसमें एप्पल का A9 बायोनिक चिप है जो कि आता है डुअल कोर के साथ। इसमें आपको 1715 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, जिसमें आपको 4G का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, वोल्ट LTE भी सब। चलिए मैं इसका सेटिंग खोल के बता देता हूँ आपको, आपको इसमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने मिलेंगे। ऑलरेडी एप्पल स्टोर ID इसमें लॉग इन कर लिया है। ये फ़ोन ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ था 2015 में, तो 4 साल हो गए इसे लॉन्च होके, फिर भी अभी भी लेटेस्ट iOS रन कर रहा है। बहुत जल्द इसमें 13 का भी अपडेट आने वाला है, सो ये आपका फ़ोन कभी ओल्ड नहीं होगा। देखिए 64GB वाला मैंने वेरिएंट लिया है। जहाँ मैं जानता हूँ आप सब वेट कर रहे होंगे इसके प्राइसिंग का कि मैंने इसको कितने में लिया है, क्योंकि मैंने इसे सेकेंड हैंड लिया तो ऑलमोस्ट मुझे सस्ते में ही पड़ा है। बट मैं बता दूँ ये आईफोन है तो इसका सस्ता भी सस्ता नहीं है। ये मुझे पड़ा था 17,200 का, मैंने इसे सेलबडी स्टोर से लिया है। मुंबई में मलाड में सेलबडी स्टोर है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट जाके लोगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको अपने सामने देखने मिल जाता है। और मैं उनके वारंटी की बात करूँ तो उन्होंने 1 month का मुझे शॉप वारंटी प्रोवाइड करवाया है, और उनके यहाँ से आप जो भी फ़ोन लोगे उसमें आपको ऑलरेडी इंश्योरेंस के साथ मिलता है। सो इंश्योरेंस आपको 1 year तक का मिलेगा इसमें, जिसमें आपका कोई भी डैमेज वगैरह होता है तो सारी चीज़ें कवर होते हैं। सेलबडी का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर भी करते हो फ़ोन। मैं आपको उनका वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मुंबई से है तो मैं
बताना चाहूँगा, आप जस्ट विज़िट करके ले सकते हो। तो विज़िट करने से क्योंकि आपको खुद को पता चल जाता है, एक बार देखने फील लेने को मिल जाता है फ़ोन, और आपको चाहिए नहीं चाहिए वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। सो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप मुंबई में ही कहीं से हो तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए, उनका मलाड में शॉप है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। बात करें इसे 2019 में आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप आईफोन लेने का प्लान कर रहे हो और आपका बजट उतना नहीं है तो ज़रूर आप जा सकते हो। इसमें आपको कोई भी लैग वगैरह कुछ नहीं देखना। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका एक्सपीरियंस आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं खुद पबजी खेलता था अपने 430 के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में, और जैसे मैंने इसमें शिफ्ट किया मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा, उसमें हेल लैग होता था। इसमें कुछ भी लैगिंग का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको पबजी में। मैं एक पबजी का सेपरेट रिव्यू वीडियो भी लेके आऊँगा आईफोन 6s में आपका पबजी गेम प्ले कैसा होगा उसके ऊपर। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये फ़ोन कैसा लगा या आपकी क्या ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।